हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेमिंग विद सुप्तो। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पबजी कम्युनिटी के लिए, पबजी लवर्स के लिए, और इवन ये वीडियो बहुत अच्छा काम करने वाला है जो कि गेमिंग में करियर बनाना चाहते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, पबजी मोबाइल आने का पहले इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी उतना बूम पे नहीं था। हाँ, गेम बहुत जन खेलते थे, बहुत यूट्यूबर गेम खेलते थे, कंटेंट क्रिएटर थे, मगर उतना सपोर्ट नहीं मिलता था वो पर्टिकुलर गेम के तरफ से। और जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी उतना बूम पे नहीं था। जैसे ही पबजी आया, पबजी की तरफ से सपोर्ट मिला सब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो एक पबजी स्ट्रीमर क्यों ना हो, सबको सपोर्ट मिला। इवन आपको पबजी को पता ही है कि कितना बूम पे चल रहा है पबजी। इवन कुछ दिन पहले पबजी का ऑफिशियल इंडियन टूर्नामेंट हुआ, जो कि पबजी कैंपस टूर्नामेंट हुआ, जिसका जो प्राइस पूल था 550 लाख रुपीज। और फाइनली अभी पबजी ने और एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है ओप्पो के साथ पार्टनरशिप मिला के, वो है पबजी मोबाइल इंडियन सीरीज 2019, जिसका प्राइस है 1 करोड़। प्राइस पूल है उसका गाइस, तो टोटल 1 करोड़ रुपीज का यह प्राइस पूल है। यह डिवाइड होगा वो थोड़ा ही देर में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये वीडियो हम देखने वाले हैं, इसका वेबसाइट, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका रूल्स देखेंगे, कुछ कुछ रूल्स आपको मैं ये वीडियो में बता दूंगा। रजिस्टर करने का पहले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और जो मेन रूल्स है वो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें ये पार्ट में हम लोग रजिस्टर देखेंगे, दूसरा पार्ट में हम लोग को रूल्स देखने को मिलेगा और शेड्यूल भी हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइज, ये जो पबजी का टूर्नामेंट है इंडियन सीरीज 2019, ये कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो आज से ही इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए मैं आज ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कोई भी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जो पबजी खेलता है, कोई भी ये टूर्नामेंट को मिस करे। जीतना हारना बात के बाद है, आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट तो लीजिए, फ्री है, 1 रुपये भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। पबजी का ऑफिशियल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना हो, आपको बस रजिस्टर करना है और आपको फेयर गेम प्ले करना है। अगर आपका स्किल अच्छा रहा तो आप डेफिनेटली ये जीतने वाले हैं। तो टोटल 1 करोड़ रुपीज़ का इसका प्राइस पूल है। सबसे देख लेते हैं कि ये 1 करोड़ रुपीज़ कैसे डिवाइड होने वाला है, जो विनर्स है और जितना भी रनर अप होने वाला है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं, pubgmobile.in/indianseries। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पबजी का ऑफिशियल पेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो रजिस्टर नाउ में आप क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ में जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपना जो, जैसे आप फेसबुक आई डी, ईमेल आई डी से मतलब साइन इन करते हैं या जीमेल बनाए होंगे, तो वैसे करना होगा। मैं इसका प्राइस पूल पहले दिखा देता हूँ कैसे ये डिवाइड होने वाला है, उसके बाद थोड़ा हम लोग डेप्थ में जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल्स भी देख लेंगे। थोड़ा नीचे जाएंगे तो इधर आप देख सकते हैं टोटल प्राइस पूल है, 1 करोड़ रुपीज़ का टोटल प्राइस पूल है। फर्स्ट जो प्लेस में ग्रैब करने वाले उसको 30 लाख रुपीज़ मिलने वाला है। फर्स्ट प्लेस जो ग्रैब करेंगे, उसके बाद सेकेंड प्लेस जो ग्रैब करेगा उसको 10 लाख रुपीज़ मिलने वाला है, और जो थर्ड प्लेस ग्रैब करने वाला है उसको 5 लाख रुपीज़ मिलने वाला है। फोर्थ प्लेस के लिए 2 लाख है, फिफ्थ प्लेस के लिए 1.5 लाख है, सिक्स प्लेस के लिए 1 लाख है, 7th प्लेस के लिए 80,000 रुपीज़ है, 8th प्लेस के लिए 70,000 रुपीज़ है, 9th प्लेस के लिए 50,000 रुपीज़ है, एंड 10th प्लेस के लिए 50,000 रुपीज़ है, जो कि बहुत बड़ा प्राइस है। और अगर आप 10th प्लेस तक भी आ गए तो आप 50,000 रुपीज़ घर लेके आराम से जा सकते हैं, जो कि बहुत ही होता है मेरे मुकाबले एक गेमिंग स्टार्टिंग फेज के लिए। अभी तो गेम स्टार्टिंग हुआ इंडिया में, अब आगे देखिए क्या क्या हो रहा है। तो ये पहला टूर्नामेंट नहीं है, ये सेकेंड टूर्नामेंट है जो कि इंडियन के लिए स्पेशली होने वाला है। दूसरा कंट्री का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिलहाल तो आपके लिए नहीं है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में पबजी मोबाइल सब कंट्री के लिए लाने ही वाला है। तो उसके बाद ओप्पो फोन्स का भी देख, जैसे कि आप देख सकते हैं 40 लाख का ओप्पो फोन्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर उधर मिलेगा, टीम एलोकेशन में थोड़ा पैसा मिलेगा, अदर प्राइजेस भी है 3 लाख का। तो ओप्पो F9 जो ये फ़ोन है, तो जो 20 टीम पिछले टूर्नामेंट में गया था उनको भी F9 मिला होगा, और उनको भी यही फ़ोन में गेम खेलने मिला था, और तो सबके लिए सेम था प्लेटफॉर्म फाइनल के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका टाइमिंग क्या है, और इवन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल्स देख लेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि इसका टाइमिंग क्या है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है January 9th। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज January 9th है और ये 23rd January तक चलेगा। और इसमें थोड़ा और नीचे जाएंगे तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है पिछले टूर्नामेंट से रिलेट किया हुआ है, सेम है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा January 9th से लेकर January 23rd के अंदर, अगर आपने अपना स्क्वाड रेडी करके रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसके बाद January 21st से इसका सिलेक्शन स्टार्ट होगा। सिलेक्शन कैसे होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इन एंगल मैच में 15 मैचेस खेलना होगा अपने स्क्वाड के साथ, जो कि आपने किया है अपने स्क्वाड के साथ रजिस्ट्रेशन किया है, उसके साथ आपको 15 मैच खेलना होगा नॉर्मल, जैसे क्लासिक मैच खेलते हैं एशिया में। एशिया सर्वर में खेलना होगा, दूसरा सर्वर में खेलेंगे तो डिटेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको एशिया सर्वर में खेलना होगा।
और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका 15 मैचेस को देखेगा, ऑटोमेटिकली वो पबजी का ऑफिशियल्स के पास जाएगा। उसके बाद 15 मैचेस में आपका टॉप 10 मैच, जो 15 मैच में टॉप 10 मैच जो सबसे अच्छा खेले उसको पकड़ाया जाएगा और उसी का बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा और उसी को सिलेक्ट करके ले जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पबजी एमुलेटर आर नॉट अलाउ। तो अगर आप पबजी एमुलेटर में खेलते हैं तो अभी से पबजी मोबाइल में अपना मोबाइल में ही स्टार्ट कर लीजिए, अभी भी टाइम है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नियर अबाउट 15 डेज टू है, तो 15 डेज के अंदर आप मोबाइल में आराम से खेलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो गेम प्ले वो बेटर होते जाएगा। इवन आपने स्क्वाड में जो मोबाइल में खेलता था उसका तो बहुत एक्सपीरियंस हो भी गया होगा, उनसे पूछिए तो आपका डेफिनेटली 15 डेज काफ़ी होता है एक गेम को सीखने के लिए। तो ओवरऑल आपको गेम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई एमुलेटर में, बस आपको मोबाइल में खेलना होगा। थोड़ा एडिंग में प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में, बट आप मोबाइल से खेलिए, ये टूर्नामेंट को मिस मत कीजिए। उसके बाद ये सेकेंड चीज़ है ऑनलाइन प्ले ऑफ, जैसे ही आप मतलब ये सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद 2000 टीम इंडिया से जाएगा प्ले ऑफ में, ऑनलाइन प्ले ऑफ में जाएगा, जो कि 10 February से स्टार्ट होगा, 24 February तक चलेगा। इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन पता चल जाएगा। इवन आप इसमें जब जैसे टॉप 2000 टीम्स से जो ग्रैंड फिनाले में जाएगा केवल 20 टीम्स जाएगा, केवल 20 टीम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रैंड फिनाले में 20 टीम्स जा रहा है और 20 मतलब 100 प्लेयर्स जाएगा ग्रैंड फिनाले में, जिनको F9 प्रो से खेलने का मौका मिलेगा। और टॉप 20 टीम में से टॉप 10 प्लेयर को मतलब टॉप 10 प्लेयर टीम को डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलेगा, जैसे कि मैं दिखाया टॉप 10 प्लेस तक भी प्राइज़ है। और जो फर्स्ट होगा उसको 30 lakh rupees मिलेगा। 30 lakh गाइस बहुत ही बड़ा रकम होता है, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको गेमिंग जो बूस्ट चाहिए मतलब गेम खेलना अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो 30 lakh rupees 4 प्लेयर डिवाइड करके तब भी बहुत होता है, आपका एक कैरियर बन जाएगा, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और ये टूर्नामेंट का लास्ट नहीं है, बहुत सारे टूर्नामेंट और आने वाले। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, रजिस्टर लॉग क्लिक करना होगा, इसमें आप अपना ईमेल आईडी से साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइन इन करना होगा, मैं फटाफट से प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ और टर्नओवर पर क्लिक करता हूँ मैं, और उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करता हूँ। प्रोसीड में जैसे ही क्लिक करूँगा इसको सेव कर देता हूँ, तो बैक टू होम पेज, होम पेज हम लोग बैक करेंगे और उसके बाद फिर से रजिस्टर नंबर क्लिक करते हैं। और शायद मेरे मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आया, देख लेता हूँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और तो मेरे को ईमेल वेरिफिकेशन का एक मेल आया है, तो फटाक से अपना ईमेल आईडी खोल लेता हूँ। तो आपके साथ कम्प्लीटली मैं शेयर कर रहा हूँ कैसे रजिस्टर करना है, तो आपको प्रॉब्लम ना होगा। तो कम्प्लीटली आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपके पास अगर डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन आ चुका है और इसमें हम लोग खोलते हैं मेल आईडी। उसके बाद ये लिंक मुझे मिल गया है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ और शायद हम लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि लिखा है योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन विथ योर ईमेल एंड पासवर्ड। तो चलिए हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। हे गाइस, मेरा लॉग इन नहीं हो रहा, कुछ इशू है, तो मैंने हेल्प मांगा तो विद इन फ्यू आवर्स मुझे हेल्प मिल जाएगा लॉग इन के लिए। तो इसका कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ, लॉग इन करने के बाद आपको साइन इन करना होगा इधर। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आप एंटर कर जाएंगे, तो एंटर होने के बाद आपको 3 टीममेट जो आपके स्क्वाड में खेलेगा उसका नेम, जो गेम नेम होगा और इवन उसका गेम आईडी, जो प्लेयर आईडी है उसको लिखना होगा और उसको कॉपी पेस्ट कर देना होगा और कम्प्लीटली आपको सेंड कर देना होगा। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा, आपको एक कन्फर्मेशन मेल मिलेगा अपने ईमेल आईडी में जो रजिस्टर किए हैं और आपके फ़ोन नंबर में। और उसके बाद आप 27 से या 21 से गेम स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्क्वाड के साथ इरेंगल मैच मैप में। उसके बाद जो 21st से लेकर 27 के अंदर जो भी मैच होगा इरेंगल मैप में आपके स्क्वाड के साथ, उसका टॉप 10 पकड़ाया जाएगा, 15 मैचेस में टॉप 10 पकड़ाया जाएगा बेस्ट वाला, और उसी से बेसिस में सिलेक्ट होगा। इतना ही था कंप्लीट प्रोसेस। अभी तो मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, मे भी कुछ इशू है। तो मैं जैसे साइन इन कर रहा हूँ तो इधर देख, जैसे कि देख सकते प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट लिखा रहा, तो मेरा अकाउंट वेरीफाई है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, मे भी कुछ इशू हो सकता है। तो मैंने हेल्प मांगा है तो होपफुली मुझे हेल्प मिल जाएगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो आप डेफिनेटली आगे जाइए
प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। मैं आपको समझा दिया ओरली, मैं आपको थियोरेटिकली समझा दिया क्या करना होगा। रजिस्टर कीजिए, अपने प्लेयर आईडी डालिए, इवन अपने फ्रेंड का भी प्लेयर आईडी डालिए, कंप्लीटली उसको दे दीजिए और आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन मैं बता दिया, जो कि लॉगिन करने टाइम आपको ध्यान में रखना होगा, और मैं रूल्स एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रूल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ये वीडियो मैं रूल्स नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता और बड़ा हो ये वीडियो। तो इतने थे ये वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो ये वीडियो को थम्स अप दे सकते हैं। इवन अगर आप मेरे चैनल में नए आ गए तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आप मिस डेफिनेटली नहीं करना चाहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नया आ गया तो। और इतने थे ये वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Dripping lights paint the skies. Oh.